आज मैं आपको बताऊंगी हमारे बालों की देखभाल कैसे करें। लंबे बाल किसको पसंद नहीं है। महिला और लड़कियों के सौंदर्य में ये अहम रोल निभाते हैं, पर धूल मिट्टी प्रदूषण की वजह से आजकल हमारे जनरेशन में सबके बाल डैमेज हो रहे हैं। बालों का गिरना, बाल सफ़ेद होना, दो मुहे बाल, बालों का ड्राई होना, ऐसी समस्याएँ सबको होती है। तो इसलिए मैं आज आपको बताऊंगी बालों की देखभाल कैसे करें और इसके लिए क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बालों को साफ रखना चाहिए। गर्मी के मौसम में धूप पसीना ज़्यादा होता है, तो हफ्ते में दो बार बाल धोए और सर्दी में हफ्ते में एक बार बाल धोए। बाल धोते समय गर्मी में ठंडा पानी इस्तेमाल करें और सर्दी में थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म पानी ना इस्तेमाल करें, ज़्यादा गर्म पानी से बाल डैमेज होते हैं। बालों को तेल से मसाज करें। अक्सर तेल ना लगाने से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो इसलिए हफ्ते में दो बार बालों को ऑयलिंग करना ज़रूरी है। तेल लगाने से बाल मजबूत, सॉफ्ट और सिल्की होते हैं। रात को बाल धोकर या शावर लेकर ना सोए। अगर आप बाल धोकर या शावर लेकर सोते हो तो आपके बालों की जड़ें कमज़ोर होगी, इससे बाल गिरना शुरू हो सकता है। रात को सोते समय बाल बांधकर ना सोए, इससे बालों का हेयर फॉल होता है। धूप धूल मिट्टी इससे भी हमारे बाल खराब होते हैं, इसलिए घर से बाहर निकलते समय स्कार्फ बांधें, नहीं तो हैट, नहीं तो छाते का इस्तेमाल करें। इससे आपके बालों का धूल मिट्टी धूप से बचा होगा और आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे। बाल धोते समय शैम्पू के बाद कंडीशनर करना भी ज़रूरी है, इससे अपने आपके बाल चमकदार और शाइनी रहेंगे। ज़्यादा हीट की वजह से भी हमारे बाल डैमेज होते हैं, तो हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे कि कर्लर, हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। बार बार बाल ना धोए, इससे अपने आपके बालों का ऑयल चला जाता है। गीले बालों पर कंघी ना चलाएं, इससे आपके बाल टूट जाते हैं। अगर आपके बालों में जुए पड़ जाते हैं तो नारियल के तेल में कपूर मिलाकर इसे लगाएं, इससे जुए ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से और प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से भी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो इसलिए आप प्रॉपर डाइट लीजिए और स्ट्रेस कम करिए, इससे आपके बाल मजबूत होंगे और सफ़ेद भी नहीं होंगे। अक्सर बहुत से लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो वो लोग सब बालों को कलर करने के लिए केमिकल कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल कलर का इस्तेमाल करने के बजाय अगर आप नेचुरल मेहंदी का इस्तेमाल करें तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन रहता है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाइए।